तो सबसे पहले सर, मैं तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि अहिर समाज की तरफ से इतने सालों से डिमांड की जा रही है, गुरुग्राम में भी कई महीनों से अहिर समाज के लोग बैठे हुए हैं, तो आखिर क्या कारण है? अहिर रेजिमेंट की डिमांड पहले तो क्यों की जा रही है, और ना बनने के पीछे क्या कारण आपको लगता है? देखिए, सबसे बहुत अच्छा सवाल आपने करा कि क्यों बननी चाहिए। भारतीय सेना का इतिहास और अहिरों का फौज में इतिहास दोनों लगभग लगभग बराबर है। जब से अंग्रेजों के टाइम से भारतीय सेना अपने एग्जिस्टेंस में आई, तब से अहिरों का एक बड़ा बहुत भारी रोल रहा जी है। 1897 में सबसे पहला आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। उसमें जो 6 इन्फेंट्री यूनिट्स थी, उसमें 2 इन्फेंट्री यूनिट्स में अहीर 25-25% थे। अच्छा लेकिन हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और 1914 से 1918 के बीच में हमने 14,600 सिपाही दिए थे, और वो जो है अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। आज कम से कम 15 रेजिमेंटें ऐसी हैं जिनका वर्ल्ड वार फर्स्ट में एक भी सिपाही नहीं था या हमसे कम सिपाही थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने 38,400 सिपाही दिए, वो अपने आप में भी एक रिकॉर्ड था। अब बात क्या होती है कि हमारा एक सैनिक इतिहास है, हमारा एक बलिदान का इतिहास है, हमारा इस सेना के डेवलपमेंट में और उत्थान में एक रोल है। यहां मैं दो बातें बताना चाहूंगा। पहला, भारतीय सेना में आजादी से पहले केवल उन्हीं जातियों की और क्षेत्रों की रेजिमेंटें बनी जिन्होंने 1857 में या जलियांवाला बाग में या कहीं भी अंग्रेजों का साथ दिया। और अच्छा हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और 1947 के बाद वही रेजिमेंटें बनी जिन्होंने देश के से अलग होने की मांग की, जैसे नागालैंड रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट जो है वो नागा इंडिया अकॉर्ड का एक पार्ट है। अब असली बात क्या है कि क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी के तीन बड़े बड़े कारण हैं। पहला तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो फौज में 4 ही 5 जातियां थी, छठी जाति थी नहीं। ब्राह्मण थे, भूमिहार थे, यूपी गंगा जमुना के मुसलमान थे, और ये मतलब आप चमार कह सकते हैं, लेकिन अच्छा जैसा लिखा हुआ है वही लोग थे। अब 1857 में एक म्यूटनी होती है, एक म्यूटनी होती है, तो ब्राह्मण्स ने तो जो है मंगल पांडे जी के नेतृत्व में म्यूटनी की, और अहीरों ने एक सूबेदार भोंदू सिंह थे जो इतिहास में एक छुपा हुआ पन्ना है, वो हमारे राव अजीत सिंह ने उस पन्ने को निकाला। अच्छा और राव श्री भोंदू सिंह जी ने वो अपनी कंपनी को लेकर और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करा, और वो शायद आजमगढ़ के पास किसी लड़ाई में मारे गए। और ये लखनऊ, आज भी अंग्रेज जब उस समय लोगों को जोश भरते थे तो ये कहते थे रिमेम्बर कानपुर। रिमेम्बर कानपुर का मतलब कि कानपुर में वो जो अंतिम लड़ाई हुई उसमें भोंदू सिंह जी का एक बहुत बड़ा रोल था। तो 1857 एक। दूसरा, जो 1940 की जो एक घटना है वो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है जिसका लोग संज्ञान नहीं लेते। इस उस समय एक हैदराबाद रेजिमेंट थी। हैदराबाद रेजिमेंट में 3 ही जातियां थी या वर्ग के लोग थे, अहीर, जाट और कुमाऊनी। अहीर 33.33%, जाट 33.33% और कुमाऊनी 33.33%। मतलब तीनों वर्गों की जो ताकत या रेजिमेंट थी वो नफरी थी, वो बराबर थी। अब क्या होता है कि 19 हैदराबाद रेजिमेंट सिंगापुर में पोस्टेड थी, और वहां एक मेजर जहीर, एक उनके मेजर थे जो अहीर कंपनी को लीड कर रहे थे। मेजर जहीर के जर्मनी से कोई संबंध था, तो वो एक जर्मन लेडी को लेके, क्योंकि ये जो यूनिट है 19 हैदराबाद की, ये उस समय जंगल ट्रेनिंग पे गई हुई थी, तो उस समय मेजर जहीर ने अहीर जवानों से उस जर्मन लेडी को मिलवाया और सबके हाथ मिलवाए, और उन्होंने कहा
कि क्या अंग्रेज की मैडम या अंग्रेज आपसे हाथ मिलाते हैं? तो अहिरों ने कहा नहीं साहब, तो देखो ये जर्मन है, और जैसा उसने कहा होगा वो एक बात चली। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया, कि ये जो जहीर साहब है, मेजर जहीर, ये जर्मनी वालों से मिले हुए या नाजी से मिले हुए, जो भी आप कह दें। तो इसने, ब्रिटिशर्स ने उनको जो है वहां से शंट आउट करके और पोस्ट आउट कर दिया और उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। इससे जो अहिर ट्रूप्स थे वो नाराज हो गए, और ये भी है कि शायद उन्होंने अहिर ट्रूप्स को उकसाया। जब अहिर ट्रूप्स नाराज हो गए तो अहिरों ने कोथ की ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया। अब जब अहिर कोथ की ड्यूटी पे नहीं गए तो कोथ की ड्यूटी पे कौन जाएगा? तो सबसे पहले दूसरा नंबर आया जाटों का, कि भाई कोथ का मतलब होता है कि आर्मरी की रक्षा चारों तरफ से, जो उनका शस्त्रागृह होता है उसकी रक्षा करना। तो जब अहिरों ने मना कर दिया कोथ की ड्यूटी करने के लिए, तो फिर जाटों का नंबर आया, तो जाटों ने अहिरों का साथ दिया और उन्होंने जो है कोथ की ड्यूटी करने से मना कर दिया। अब कुमाऊनियों का नंबर आया, तो कुमाऊनी अंग्रेजों के साथ गए और कुमाऊनियों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया और कोथ की ड्यूटी संभाल ली। उस समय 19 हैदराबाद रेजिमेंट के जो कर्नल थे वो कर्नल हफंडन थे। अब कर्नल हफंडन की इस नाकामयाबी से उनके जो गैरिसन इंचार्ज थे वो बड़े नाराज हुए, और कर्नल हफंडन ने बार बार फोन करके ये बताया कि जी मेरे को तो घेर लिया है, मैं हाउस अरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसने बड़ी वहां से कम्युनिकेशन करा, तो वहां का जो गैरिसन कमांडर था उसने स्कॉटिश ट्रूप्स भेजे। एक स्कॉटिश रेजिमेंट होती है, उसके ट्रूप्स आए और उनको ये आदेश हुआ कि भाई अहिरों को जो है मतलब डिसआर्म करो और इनको अरेस्ट करो या इनको कैपिटल पर। इसी बीच क्या होता है कि अहिर जो है बाहर निकलते, खाना नहीं खाते, और वो जो है एक तरीके से हड़ताल पे चले जाते। और उसके बाद क्या हुआ कि उस समय एक मेजर थिमैया थी, मेजर थिमैया अहिरों से बड़ा लगाव था। वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले वर्ल्ड वॉर टू के पहले आसपास जो है सारे अहिरवाल का दौरा भी करके गए थे, सबके घर भी गए थे, और जो 19 हैदराबाद के ये अहिर थे इनके साथ उन्होंने सारे जगह काम किया हुआ था, एंड ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद देम। तो थमैया की ड्यूटी लगाई गई मेजर थमैया की, कि आप जाओ और उनको समझाओ। तो मेजर थमैया ने अहिरों से बात करी और मजाक में उन्होंने कहा चलो आज आप हुक्का पीते हैं, और हमने पहले भी बहुत हुक्के साथ पिए। फिर उन्होंने सिगरेट ऑफर करी, अहिरों ने मना कर दिया। फिर उसने समझाया कि भाई मैं तुम्हारे में से एक, और मैं तुम्हारे घर भी गया हूँ, मैं तुम्हारे गांव गया हूँ, इसीलिए जो है अब आप हजारों किलोमीटर दूर यहाँ सिंगापुर में पड़े हैं, जंगल में पड़े हैं, स्कॉटिश आर्मी तैयार है, आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, आपको फांसियां हो जाएंगी, आपको फायरिंग स्क्वाड से मार दिया जाएगा। तो जैसे तैसे करके उनको समझाया, और उसने कहा कि भाई ये तुम मेरे ऊपर छोड़ो कि तुम्हारी इज्जत को बहाल किया जाएगा, और मेजर थिमैया ने बात करी वहां के जो गैरिसन कमांडर से उनसे, और ये कहा कि भाई इन अहिर ट्रूप्स को दोबारा से रीआर्म करो जिससे इनकी इज्जत रिस्टोर हो, और जब इज्जत रिस्टोर हो जाएगी तो दे विल कंप्रोमाइज, कोई दिक्कत। वो मना लिया। दूसरे दिन पीटी परेड के ग्राउंड में गए, वहां पर वो सारे अहिर सोल्जर्स आए, उन सबको इज्जत दी गई और उनको दोबारा से रीआर्म किया गया। जब सारे उनको पुराने हथियार लौटा दिए सारे, तो वो एक बात डल गई। अब इधर से दूसरी कहानी शुरू होती है। जो कर्नल हफंडन थे इंचार्ज, उनका क्या हुआ कि वो जो है यहां से ट्रांसफर कर दिया उनको सिंगापुर से, और शायद उनका जो प्रमोशन है वो ब्लॉक हो गया। वो बहुत ऊपर जाने थे लेकिन उनके ऐसा हो गया कि ही फेल्ड टू लीड द ट्रूप्स बाय एग्जांपल। तो उनका दिल्ली में आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन एक खुडे लाइन पोस्ट होती, मतलब जिसको कुछ नहीं देना होता उसको आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन दे देते। तो उनका आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन में ही वॉज मेड इंचार्ज ऑफ द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन।
उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होती है तो 1945 में आर्मी का तीसरा रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीशफल होता है। अब यहां क्या बात होती है कि अहिरों को तो अंग्रेजों ने पनिशमेंट दिया कर्नल हफंडन के कहने से, कि कर्नल हफंडन ने कहा, पहले दो ये बात निश्चित हो गई थी कि दो रेजिमेंटें बनेंगी, एक कुमाऊं और एक अहिर, और दूसरा जो है जाटों को जाट रेजिमेंट में भेज दिया, तो अब दो ही बच गए। अब हुआ क्या कि कर्नल हफंडन ने ये बिटो पावर यूज करी, बीइंग इन चार्ज ऑफ द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन इन 1945, कि नहीं अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगी, इन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह करा है और जो कुमाऊनी है उनको 75% जगह दी जाएगी और अहिरों को केवल 25% जगह दी जाएगी, 33.33 से कम करके। अब क्या होता है, कुमाऊ रेजिमेंट बन जाती है। अहिरों का कोई धरी धोनी तो था ही नहीं बेचारों का, इनकी कोई उस समय राजनीतिक पहुंच भी नहीं थी, उनकी कुमाऊनियों की राजनीतिक पहुंच भी थी, पंत साहब उस समय टॉप के नेता थे। तो एक कुमाऊ रेजिमेंट का निर्माण हुआ जिसमें 75% कुमाऊनी जाएंगे और 25% अहिर जाएंगे। मतलब आप ये देखिए, जो 5-7 करोड़ लोग थे अहिर उस समय, उनके लिए तो 25% जगह, और जो 15 लाख लोग हैं उनके लिए 75% जगह।